फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, ये ला जब आता है पहले तो वो मुखातब की बात की नफी करने के लिए, ने इट इज लाइक दैट, ये नफी है। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, मैं क़यामत की कसम खाता हूं। तो फरमाया फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, वक़ा यक़ा के क्या मानी है, और ये सूरत कौन सी, वाकया, इजा वकातिल वाकया, वका गिर जाना पड़ जाना, ये सितारों के डूबने की जगह है। फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम वइन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है जो हमने खाई है। उस वक्त का इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं, कहां गुरूब होते हैं, कहां गिरते हैं, आज हमें मालूम है। सूरह हामीम सजदा में जो कहा गया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबैन लहुम अन्नहुल हक, हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक व अनफुस में, यहां तक कि यह बात वादे हो जाएगी कि कुरान हक है। आज हमें मालूम है खला में ब्लैक होल्स है, और ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचकने से, पिचक जाने से पैदा हुए, और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं, जो खला पैदा होता है वैक्यूम, उसमें बड़ी ताकत होती है, उसके पास से कोई सैयारा कोई सितारा गुजर जाए उसे खींच लेता है कब्र के अंदर। ये ब्लैक होल्स का तसव्वुर, इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के लिए क्या कहा, फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये बहुत बाइज्जत कुरान है, फी किताबिन मकनून, एक छुपी हुई किताब में है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसे छू ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां। इसके क्या मानी है, पहली बात तो हमें मालूम हो गई मुराद फरिश्ते हैं, बेअदी सफरतिन किरामिन बरारा, उसी की शरह हो रही है ना। इसी से एक फिकी मसला निकाला गया कि बगैर वजू के हाथ ना लगाओ, लेकिन इसका असल मफहूम क्या है वो समझिए, कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स न हो गया। अगर हुब माल, हुब दुनिया, हुब जा, हुब शोहरत, अगर ये तमाम मोहब्बत में दिल से निकल ना जाए तो कुरान की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। मौलाना रूम ने कहा है, अगरचे जरा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, माज कुरान मगजहा बर्दाश्ते उस दफा पेशे सगा अंदाखते, हमने कुरान से उसका मगज ले लिया है, जो एसेंस है वो खींच लिया है, हड्डी का गूदा जो है वो हमने निकाल लिया है, हड्डियां हमने फेंक दी हैं कुत्तों के सामने जो लड़ रहे हैं। इल्म कलाम का मसला है, है सिफात हक, हक से जुदा या आयन जात, कुरान मखलूक है या नहीं है, गैर मखलूक, और बड़े बड़े हो रहे हैं उसके ऊपर, ये कुत्ते लड़ रहे हैं इन हड्डियों के ऊपर, हमने उसमें से असल शय निकाल ली, वो क्या है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, यह है असल शय। माज कुरान मगजा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाखते, तो जब तक इंसान का बातिन पाक ना हो जाए वो कुरान के छिलकों से खेलता रहेगा, चाहे वो कहने को मुफस्सिर हो, कुरान के बातिन तक कभी नहीं पहुंचेगा। फी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से, इंजाल के मानी है दफ़तन उतार देना। लैलतुल कद्र में आया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, रमजान के बारे में शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, बाबे इफ़ाल,
लेकिन हुजूर पर एकदम नहीं उतरा, थोड़ा 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 23 बरस में जाकर उसकी तकमील हुई। अब देखिए जो शिकवा किया अल्लाह ने, क्या इस जैसी नेमत से तुम मुदाहनत कर रहे हो, बेइत्तनाई कर रहे हो, इसे पढ़ते नहीं हो, इसे समझते नहीं हो, इस पर अमल नहीं करते, इसे अपना इमाम नहीं बनाते, तुम्हारा तर्ज अमल यह है, बल्कि तुमने अपना नसीब यह बना लिया है कि तुम इसे झुटला रहे हो। गौर कीजिए, झुटलाना जो है दो तरह का है, एक है जबान से कहना कि ये नहीं है, कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान वगैरह झूठ सब असातिरुल अव्वलीन है, ये मोहम्मद ने घड़ लिया है वगैरह वगैरह, झुटलाना हो गया। एक झुटलाना है अमल से झुटलाना, मान तो लिया अल्लाह का कलाम है लेकिन उसकी हराम करदा शय को अपने लिए हलाल किया हुआ। हदीस नबी है, मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमहु, उस शख्स का कुरान पर कोई ईमान नहीं है जो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहरा ले। इस एतबार से गौर कीजिए, और इसकी मिसाल भी दी हुई है सूरह जुबा में, मसलुल लजीना हुम्मिलु तौरात सुम्म लम यहमिलुहा कमसलिल हिमारे यहमिलु असफारा बेसा मसलुल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। मिसाल उन लोगों की जो हामिले तौरात बनाए गए थे और फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, उसे कायम नहीं किया, उसके अहकाम पर अमल नहीं किया, जैसे फरमाया है सूरह आराफ में, कुल या अहल किताब, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ किताब वालों, लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी कोई हैसियत हमारी निगाह में नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं है कि हमसे दुआ करो जब तक कि तुम तौरात और इंजील को और जो कुछ नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ उसे कायम नहीं करो। आज अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, 30-30 लाख जाकर हज करते हैं, दुनिया के हालात में कोई जर्रा बराबर फर्क आता है? अव्वल तो हराम की कमाई से हज हो रहा है, तो हज है ही दूसरे से, जो कुछ करते गए थे सूदी कारोबार वही आकर दोबारा शुरू कर दिया, सरकारी मुलाजिम तो जो रिश्वत पहले ले रहे थे उसके बाद आकर शुरू कर दिया। ये क्या है? ये तकजीब बिल अमल है, झुटलाना है। तुमने अपना नसीब ये बना लिया है कि तुम कुरान को झुटला रहे हो जैसे कि उन्होंने झुटलाया था। मसलुल लजीना हुम्मिलु तौरात सुम्म लम यहमिलुहा का मसलुल हिमारे यहमिलु असफारा, उनकी मिसाल उन गधों की सी है जिन पर किताबों का बोझ लाद दिया गया। मकालमाते फलातुं, गठड़ी बांधकर गधे के ऊपर रख दीजिए तो क्या वो वाकई मंतकी और फलसफी बन जाएगा? यह मिसाल अल्लाह दे रहा है। और यह मिसाल क्यों दी गई है? इस आईने में हमें हमारी तस्वीर दिखाई गई है। तुम अगर कुरान का हक अदा नहीं कर रहे तो तुम्हारी मिसाल वही है जो यहूद की थी। बेसा मसलुल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बुरी मिसाल है उस कौम की जिसने अल्लाह की आयात को झुटलाया। तो जबान से तो यहूदियों ने कभी नहीं झुटलाया तौरात को, अमल से झुटलाया है। ये वो 5 मकामात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम की सना बयान की है, तारीफ की है, उसकी अजमत को बयान किया। अब मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं, हुजूर ने क्या फरमाया। एक हदीस सुना चुका हूं आपको, अन उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। ये हदीस बड़ी अजीब है, ये तिर्मिजी में भी है और दारमी में है, और इसके रावी हजरत अली हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। अली रजी अल्लाह अन्हु قال, हजरत अली फरमाते हैं, इन्नी समितु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए, इन्नहा सतकून फितनतुन
عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں قل تو, میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا, نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ, عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج, اگر کہیں آگ لگ جائے, کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو, ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ, یہ مخرج ہے جان بچانے کی. لیے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے, حضور یہ فتنہ کب آئے گا, کدھر سے آئے گا, کیوں آئے گا, کیا ہوگا, یہ سارے سوالات کرتے نا, جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں, معلومات ہیں. حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا, بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا, تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح. قال کتاب اللہ, فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے. فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں, قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں. وخبر ما بعدکم, اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں. ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں. ایک اوپر کی چیز ہے, سامنے کی چیز ہے, ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے. لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر و ما بعدکم وحکم و ما بینکم, اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں, جو حبل اللہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو فرمایا کتاب اللہ, فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, هو الفصل ليس بالحزل, وہ فیصلہ کن کلام ہے, ایسے ہی یاوا گوئی نہیں ہے, یہ قرآن کی آیات ہے. انہ لقول الفصل وما هو بالحزل, سورہ طارق کے اندر آیا, طارق میں. هو الفصل ليس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. ومن ابتغ الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ, اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا. کتاب ہدایت تو یہ ہے.